डीएस के न्यूज में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। गवर्नमेंट और एडिट हाई स्कूल असिस्टेंट टीचर एसोसिएशन बसवाकल्याण का 3 जुलाई 2022 को नीलंबिका गर्ल्स पीयू कॉलेज बसवाकल्याण में इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पैनल से सुभाष पाटिल, जनवीर जमादार, विनोद राठौड़, श्रीदेवी चिरडे, कविता वाजन खेड़े, चन्ना बसप्पा बिरादर, संजू, अनोज कुमार, श्याम कारबारी, बालाजी, एमडी निजामुद्दीन, मोहिन कोरे ने आज नामिनेशन सबमिट किया और तमाम टीचर से अपील किया कि डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन पैनल को सपोर्ट कर कामयाब करें। इस मौके पर मौजूद रहे नरसिंह रेड्डी गदले गाँव। आज होने वाले 3 तारीख को बसवाकल्याण तालुका प्रौढ़शाला शिक्षक संघ के चुनाव के लिए आज नॉमिनेशन फॉर्म किया गया है 12 लोगों ने। ये 12 लोगों का एक पैनल है, इनके सामने और 12 लोगों का पैनल है। तो ये स्वाभिमानी पैनल है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पैनल और ये स्वाभिमानी पैनल, इसलिए कहता हूँ। ये हाल ही अध्यक्ष है, हमने चुनाव कराना नहीं चाहते थे। कई लोगों से मैं बातचीत भी किया कि हमारा एक ही उद्देश्य है, जो प्रेजेंट अध्यक्ष है योगराज, उनको हटाकर, उनको छोड़कर बसवाकल्याण में चुनाव ना हो, हमनाबाद में चुनाव नहीं हो गए। एक पैनल बनाकर वही पैनल के माध्यम से आप अध्यक्ष चुना सकते हैं, लेकिन योगराज सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम उसके खिलाफ़ इसलिए आज नॉमिनेशन फॉर्म करना पड़ा कि उन्होंने 5 साल प्लस 4 साल एक्स्ट्रा मिला उनको कोरोना की वजह से, 9 साल में एक भी मीटिंग नहीं बुलाए, ना टीचर डे मनाए, ना अकाउंट दिखाए, क्या क्या घोटाला किए पता है, उसको पता पूछने गए तो कन्नड़ में एक वर्ड बोलता है हमेशा, मशरना कल हुड़ती सब लोग बोलते हैं, ये हमेशा एक ही वर्ड बोलता रहता है। बसवाकल्याण के लोग स्वाभिमानी लोग हैं हम। हम बशेश्वर का कथन हम इस मौके पर मैं सुनाना चाहता हूँ। इवन आ रहा है, इवन आ रहा है, नम्मा नम्मा कहना भी हमें आता है, कब तक, जब तक हमको रेस्पेक्ट है। वो हॉस्पिटल से है, लास्ट टाइम में हमने ही उनको हमारे कल्याण के लोगों को हरा कर उनको अध्यक्ष बनाए, ये हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई। हम ये भी जानते हैं जब तक रेस्पेक्ट है हाउ आर यू, रेस्पेक्ट खत्म हो आ रही हो। मैं इस मौके पर बसवाकल्याण के पूरे शिक्षक जो मतदाता है हाईस्कूल संघ के, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, हमने इस चुनाव हो रहा है सिर्फ योगराज की वजह से। योगराज को हटाकर एक पैनल बनाकर बिन विरोध हम करना चाहते थे, लेकिन योगराज के साथ कुछ घूमने वाले उनको मजा लग गया है, नो अकाउंट, नो क्या बोलते हैं बैलेंस शीट, तो इसलिए तो ये इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। मैं स्वाभिमानी बसवाकल्याण के हमारे टीचर लोगों से मैं विनती करता हूँ, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने रेस्पेक्ट के लिए आप इस बार बदलाव करना चाहिए, बदलाव होता है मुझे पूरा विश्वास है। ये इसलिए हम पर उसका गुस्सा है उस योगराज पर, जिन्होंने कई हेडमास्टरों पर हाथ उठाए, हेडमास्टर और टीचरों के बीच में झगड़ा लगाना, एजुकेशनल माहौल ख़राब करना, वो पॉलिटिक्स करना चाहता है। इस एजुकेशनल लाइन में पॉलिटिक्स नहीं चलते, हम चाहते हैं कि बसवाकल्याण में एजुकेशनल डेवलप हो, बच्चों का भलाई हो। वो सब छोड़कर एक बार 2-3 साल पहले हमारे बीओ नागराज सर थे, उनको भी होना बोलकर इश्यू कर नागराज सर पर केस करने लगाए, झूठा केस। ऐसा कारनामा करने वाले व्यक्ति से हम दूर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। मैं बसवाकल्याण पूरे जो लोग मनुष्य, मैं कहा हमारे सुधाकर मुड़े जी से मैं कहना चाहता हूँ, महादेव जी से कहना चाहता हूँ, आप हमारे पैनल में आना था, उनको छोड़ना था, है ने, उनको छोड़कर आप सब मिलकर, हम अन्य अपोज करते थे आपको, इलेक्शन क्यों होता है, इलेक्शन हो रहा है सिर्फ योगराज की वजह से। एक ही मुद्दा है हमारा, योगराज हटाओ, ये एजुकेशन सिस्टम को बचाओ। इस मौके पर मेरे और एक बार मैं आपके छोटा भाई होने के नाते बसवाकल्याण के लोग जो शिक्षक लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स है, हमारा कोई भेदभाव नहीं है, हम एक फैमिली मेंबर की तरह रहना, हमारे अंदर भेदभाव नहीं रहना, आपस में प्रेम रहना, हेडमास्टर और टीचरों के बीच में एक प्रकार का अच्छा संबंध रहना, इसलिए हम मैं चाहता हूँ कि योगराज को इस बार ज़रूर हटाना चाहिए।
योगराज के पैनल के साथ जो ठहरे हैं उनको मालूम होना कि योगराज के साथ बैठने से क्या असर होता है, गिरने के बाद मालूम होता है। मुझे पूरा विश्वास है ये जो पैनल है 100% जीत होगी। 12 के 12 लोग चुनकर आएंगे। इन आशाओं के साथ, विश्वासों के साथ उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ कि आप डरिए मत। आपके साथ टीचर्स है, आपके साथ विश्वास है, आपके साथ हम है, ये कहते हुए आप लोगों को मेरे दिल के गहराइयों से मैं ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ। आप 100% जीतेंगे, आपका पैनल जीतेगा। इन आशाओं के साथ मेरे बातों को विराम करता हूँ। ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಚುನಾವಣೆಯ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಪೆನಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾಮಿನೇಷನನ್ನು ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಸೋದರರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಗ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಮಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರ 298 ಅವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರೇ ದೇವರು, ಅವರ ಒಂದು ಮತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು TGT ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ TGT ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ, ಇದು ಖಂಡನೀಯ. ಇದನ್ನು TGT ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪೆನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ವಾಂಜರ್ಕೇಡೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೋದರರು ಕಲಿತು ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡೀವಿ. TGT ಸಮಸ್ತ ಮತದಾರರು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಎಂದ TGT ಆಗಿರಿ, ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವಳ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗಿದೆ. ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವಿದೆ, ಭೌತಿಕ ಬೆಂಬಲವಿದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ 11 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತಾವು ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಸೋದರರು, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂದಿರಬೇಕು. 12 ಅದೇ ಸರ್.